जो लोग स्वामी मौर्य के डिमोशन का कर रहे थे इंतजार, स्वामी के प्रमोशन के बाद शुरू किया अखिलेश पर प्रहार, भाजपा प्रवक्ता ने अखिलेश यादव पर उठाए सवाल, भाजपा प्रवक्ता बोले जो जितना जहरीला बोलेगा अखिलेश उसे उतना सम्मान देंगे। रामचरितमानस विवाद के बाद जहां सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा से निकाले जाने की चर्चा चल रही थी, वहीं रविवार को अखिलेश यादव ने उसी स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाकर सियासी पारा गर्म कर दिया है। आम जनता हो या भाजपा, सबका कहना है कि अखिलेश के इस फैसले से ये साफ हो गया है कि स्वामी मौर्य का बयान अखिलेश का प्लान था और अब स्वामी मौर्य को प्रमोशन देकर अखिलेश ने कमंडल वर्सेस मंडल की जंग का बिगुल फूंक दिया है। सपा में ही स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे सपा नेता अखिलेश के इस फैसले पर जहां खामोश है, वहीं भाजपा ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोलते हुए अखिलेश पर इल्जामों की बौछार कर दी है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान जारी कर कहा, जिस स्वामी को पार्टी से निकालना चाहिए था उसे पद देकर अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि जो जितना जहरीला बोलेगा सपा में उसे उतना बड़ा सम्मान मिलेगा। आखिरकार स्वामी प्रसाद मौर्य को श्री रामचरितमानस के अपमान करने का आज परिणाम समाजवादी पार्टी ने दे दिया है। कहां अपेक्षा की जा रही थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस अपराध के लिए समाजवादी पार्टी उन्हें दंड देगी, आज समाजवादी पार्टी ने उन्हें महासचिव बना करके आज प्रोत्साहित किया है, पुरस्कृत किया है। समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे जातीय संघर्ष उत्पन्न किए जाए, कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जाए, कैसे कानून व्यवस्था को खराब किया जाए, और इसके लिए तमाम नेताओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए अपना खुद का विधानसभा चुनाव हारे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को पहले विधान परिषद का सदस्य बनाया और अब राष्ट्रीय महासचिव बना करके ये स्पष्ट संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो जितना जहरीला बयान देगा, जो सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, सपा में उसका उत्तर स्थान उतना ही ऊंचा होता जाएगा। आपको बता दें कि स्वामी के बयान से सपा में भी एक धड़ा नाराज चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को स्वामी के बयान से 2024 में होने वाला फायदा दिख रहा है। ऐसे में नाराज धड़े की परवाह न करते हुए अखिलेश ने स्वामी मौर्य को महासचिव बनाकर बड़ा दांव खेल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनटी टीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनटी टीवी भारत।